हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग टेक्स्ट बुक द्वारा जो बूस्टर ई बुक जारी किया गया है उसका सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो वन में हम लोग 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए हैं फिजिक्स का। आज हम लोग 51वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आप अगर जो टेक्स्ट बुक पे सेट मारते होंगे, सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो आप इस ई बुक से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन साइंस का देख रहे होंगे। अगर जो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो जेन्युइन से बात है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे सेट मारने में बढ़ जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं सोल्व करने की। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है कि तापमान में समान वृद्धि के लिए तांबा कांच की तुलना में लगभग कितना गुना अधिक प्रसारित होता है। कह रहा है कि समान टेम्परेचर देंगे तो तांबा कांच की तुलना में कितना गुना अधिक प्रसारित होगा। तो आपको पता है कि कांच जो है दोस्तों वो कम प्रसारित होगा, टूट जाएगा, लेकिन तांबा जो है से ज्यादा प्रसारित होगा। तो कांच से 5 गुना ज्यादा तांबा जो है से प्रसारित होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 20 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदु। क्या कह रहा है, एक बिंदु मान के चलिए कि यहां से है और एक बिंदु यहां है, दोनों बीच का विभवांतर जो है वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। अब कह रहा है कि 10 कूलाम की चार्ज को ले जाने में कितना काम होगा। यहां से यहां तक के दोस्तों 10 कूलाम के चार्ज को, 10 कूलाम के चार्ज को ले जाना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा, W कितना करना पड़ेगा। तो पहले आप देखिए दोस्तों वर्क, क्या वर्क W, तो W बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, क्या पता है, वी इंटू क्यू, यानी कि वोल्टेज विभवांतर इंटू चार्ज। तो विभवांतर कितना है तो 20 वोल्ट है, चार्ज कितना है तो चार्ज कहेंगे कि 10 कूलाम है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 200 जूल जो है से कार्य करना पड़ेगा। कितना जूल, 200 जूल। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कि 15 सेंटीमीटर मोटाई की एक ठोस दीवार का आंतरिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और बाहरी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार की प्रति वर्ग मीटर, क्या कह रहा है, दीवार की प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से गर्मी का नुकसान की दर बताइए। मान के चलिए कि दोस्तों क्या है, ठंडा के दिन है, क्या है, ठंडा के दिन है, ठंडा के दिन है। जब ठंडा के दिन रहता है दोस्तों तो क्या होता है कि आप रूम के अंदर हीटर चलाएंगे, क्या चलाएंगे, रूम के अंदर हीटर चलाएंगे, ठीक है। जब रूम के अंदर हीटर चलाएंगे, मान के चलिए कि ये क्या है आपका, आपका एक रूम है, ये क्या है आपका एक रूम है, यहाँ पर आप हीटर चला रहे हैं, ठीक। जब हीटर चला रहे हैं तो इसका टेम्परेचर आप कर लिए 25 डिग्री सेल्सियस, कितना कर लिए 25 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो दीवार है, बीच में रोक कौन रहा है, तो टेम्परेचर को दीवार रोक रहा है, लेकिन दीवार भी क्या करता है कि टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है। जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और नुकसान करेगा, कम करेगा। तो इसका जो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, कितना टेम्परेचर जो है नुकसान कर रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के वाल यानी दीवार। तो T1 दे रखा है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, T2 दे रखा है आपको 5 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ नहीं करना है, अब जो टेम्परेचर में जो ह्रास हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर में आपको H भी दे रखा है कितना, तो आप ये चालकता दे रखा है H कितना दे रखा है, 0.81 जूल पर सेंटीमीटर, जूल पर स्क्वायर केल्विन, ये आपको दे रखा है, ठीक है, सेकेंड मीटर केल्विन दे रखा है आपको। अब ये आपको दे रखा है, एच दे रखा है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है कि ऊर्जा हस्तांतरण बराबर क्या होता है, ऊर्जा हस्तांतरण बराबर क्या होता है दोस्तों, तो होता है एच ए टी टू माइनस टी वन बटा कितना डी एल, ठीक है, डी एल। एच कितना दे रखा है, तो एच दे रखा है 0.81। एरिया कितना है दोस्तों, तो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। T2 माइनस T1 कितना है, 25 माइनस 5 कर देंगे, बटा में कर देंगे दोस्तों डी एल। एल कितना था, लंबाई कितना था इसका, तो इसका जो लंबाई है दोस्तों मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इसको जो चौड़ाई है, चौड़ाई को एल मानेंगे कितना है 15 सेंटीमीटर, और सारा जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 0.15 मीटर, ठीक है। अब इसको जैसे ही काट कीजिएगा, काट पीट कीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा,
यहाँ पे कीजिए 0.81 बटा 0.15, इसको पॉइंट से पॉइंट ही कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये 81/15 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए कितना हो जाएगा, 3 × 15 = 20, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको 3 × 3, 3 × 6, हाँ 3 × 6 कटेगा, और 27 चौके कितना हो जाता है 108 जूल पर सेकेंड जो है दोस्तों क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, कितना होगा 108 जूल पर सेकेंड। यही 2 मीटर रहता एरिया तो ज़्यादा होता, 3 मीटर रहता तो और इसमें मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 54, क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों 54 कह रहा है कि दो प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, एक 12 ओम का और दूसरा 24 ओम का समांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह संयोजन 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो 24 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, पहले आप फिगर को समझिए। मान के चलिए दोस्तों कि आपके पास एक कितना ओम का है, 12 ओम प्रतिरोध का है, कितना ओम का है 12 ओम प्रतिरोध का, कितना ओम का 12 ओम प्रतिरोध का, और एक है 24 ओम प्रतिरोध का। R1 दे रखा है दोस्तों कितना 12 ओम, ठीक है। R2 दे रखा है आपको 24, ठीक है। अब देखिए इसको संयोजन हो गया यहाँ पे समांतर क्रम में। अब आगे जो है एक और प्रतिरोध है R3, कौन है R3 श्रेणी क्रम में दे रखा है 22 ओम, कितना दे रखा है 22 ओम। यहाँ जोड़िए यहाँ से यहाँ, देखिए भी बराबर कितना है दोस्तों, भी दे रखा है 12 वोल्ट के बैटरी से, कितना वोल्ट के 12 वोल्ट के बैटरी से। पहले तो ये दोनों समांतर क्रम में है, उसको पहले सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में समतुल्य वर्ग क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, कितना है 1/R1 तो 12, R2 कितना है 24। इसको सॉल्व करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो 1/8, यानी कि R बराबर आ जाएगा आपको 8 ओम, ठीक। ये तो सोल्व हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अगला फिगर में क्या होगा, तो अगला फिगर छोटा सा फिगर बनाते हैं अगला, ये हो गया 8 ओम का तो ये हो गया 22 ओम का, तो यहाँ पे कितना 12 वोल्ट के बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे, अब देखिए अब क्या हो गया, समांतर से क्या हो गया श्रेणी क्रम में। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको श्रेणी क्रम वाला फिगर बनाइए, देखिए ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको फिगर ही सोल्व करेगा। अब जैसे ही इसको श्रेणी क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, R = R1 + ये तो R है, R3, ये क्या था R3 था, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 22, यानी कि 30 ओम हो गया समतुल्य, कितना हो गया 30 ओम, आपको 30 ओम आ गया। अगला क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कितना 30 ओम का 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, कितना है 30 ओम है, कितना वोल्ट से जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितना करेंट जा रहा होगा, इसको देखिए, तो पहले इसको निकालिए, वी बराबर क्या होता है, ओम सलाह के थ्रू क्या होता है, वी बराबर IR, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आर मल्टीप्लाई में तो भागा में चल जाएगा, यानी कि भी बटा आर, भी आपको पता है कितना 30, आर आपको पता है, भी आपको पता है कितना 12, आर आपको पता है कितना 30, इसको काटिए कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, ये कटेगा आपको से 14 × 12 = 15 × 30, इसको द्वितीयाई 6 और पस्तियाई 15, हाँ 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ गया काट के, 2/5 एम्पियर आ गया, कहाँ पे यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा, करेंट आएगा कितना आएगा 2/5 एम्पियर का करेंट आएगा, कहाँ पे 30 ओम वाला R3 पे, यहाँ पे आएगा। अब देखिए कितना आ गया, 2/5 एम्पियर आ गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब वहाँ पे आ रहा है 2/5 एम्पियर, कितना आ रहा है 2/5 एम्पियर आ रहा है वहाँ पे, वहाँ पे कितना आ रहा है 2/5 एम्पियर आ रहा है, 2/5 एम्पियर आ रहा है, 2/5 एम्पियर आ रहा है, तो जो 8 ओम का प्रतिरोध है दोस्तों, कहाँ पे है 8 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे कितना करंट आ रहा होगा, यहाँ पे कितना करंट आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए
थोड़ा सा कंसंट्रेट दिमाग रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे भी। 8 ओम का तार है, 8 ओम का, 8 ओम का प्रतिरोध, तार पर वोल्टेज, यहाँ पे कितना वोल्टेज का करंट आ रहा होगा, देखिए 8 ओम वाला पे कितना वोल्टेज करें, तब भी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर भी बराबर होता है IR, क्या होता है IR आता है, तो आपको R पता है और I भी पता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 2.5 का 2/5 का फ्लो हो रहा है, तो 2/5 R कितना है, R है 8, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 16/5 वोल्टेज का, 5 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे 8 ओम वाला पे, ठीक है। अब आपको तो वोल्टेज आ गया, पता हो गया वोल्टेज, तो पता हो गया यहाँ तक की जो वोल्टेज है, यहाँ की वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज कितना है, यहाँ की वोल्टेज आपको पता चल गया 16/5, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो 16/5 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से इधर की ओर, ठीक है। अब देखिए इसका निकालेंगे तो अलग होगा, इसका निकालेंगे तो अलग होगा। अब जब हम निकालेंगे 24 एम्पीयर पे धारा कितना जा रहा है, 24 ओम में धारा, 24 ओम में धारा कितना जा रहा है, इसको कैसे निकालेंगे, तो भी बराबर क्या होता है IR, आपको भी पता है, यहाँ से भी पता है कि इतना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, आई नहीं पता है, आर पता है कि कितना ओम प्रतिरोध है, तो भी कितना पता है, तो 16/5, आई हमको नहीं पता है, आर पर कितना पता है, तो आर हमको पता है बढ़िया से कि 24 एम्पीयर है, 24 ओम है। अब इसको काटिए, इसको काट दीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 38 की, कितना बार में कटेगा, 38 की 24 नहीं काटिए, इसको काटिए, 12 × 24, 8 × 16, 6 × 12, 4 × 8, 3 × 6 और 2 × 4, ठीक है। अब जैसे ही 2 × 4 कट गया दोस्तों, अब यहाँ पे लिखे 2/5 = I × 3, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर 2/15 एम्पीयर, यानी कि यहाँ पे जो धारा फ्लो हो रहा है, यहाँ पर के धारा, यहाँ धारा का मान कितना होगा, तो यहाँ धारा का मान होगा 2/15 एम्पीयर, कितना होगा 2/15 एम्पीयर, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन 3 नंबर सही। नहीं समझ में आया, एक बार और पॉज करके फिर से देखिए, क्योंकि जो जो इस न्यूमेरिकल है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल पर आप 50 न्यूमेरिकल बनाइए, तब आपको अच्छा से क्लियर होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है ये आपको हल्का फुल्का न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है कि आसानी से बन जाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक धातु के तार के माध्यम से बहने वाले विद्युत धारा इसके सिरों पर संभावित अंतर भी के सीधे अनुपातिक होती है, बशर्ते कि इसका समान रहे, बशर्ते क्या रहे, इसका तापमान जो है समान रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इसका बशर्ते कि इसका तापमान समान रहना चाहिए, ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों, 400 ओम के प्रतिरोध, कितना ओम के, 100 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं और यह संयोजक 100 आपूर्ति वोल्टेज से जुड़ा है, तो प्रत्येक अवरोधकों में बिजली का अपव्यय ज्ञात कीजिए, मतलब कितना कितना वाट का बिजली का अपव्यय होगा। देखिए कह रहा है कि 4 प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है, कितना कितना ओम के, तो 100 ओम के, 100 ओम के आपके पास 4 प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है, ठीक। जब 4 प्रतिरोध है दोस्तों, 4 प्रतिरोध है, और क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट के बिजली भी अति हो रहा है, कितना वोल्ट के, भी बराबर दे रखा है आपको 100 वोल्ट, कितना दे रखा है, भी बराबर भी आपको दे रखा है 100 वोल्ट, ठीक। अब क्या कह रहा है, पहले तो R1 दे रखा है, R2, R1 कितना दे रखा है, पहले समांतर क्रम में दे रखा है, तो समांतर क्रम में आप बनाने की कोशिश कीजिए, पहले फिगर बनाइए, फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। 4 को बना दिए हैं, R1 बराबर कितना 100, R2 बराबर कितना 100, R3 बराबर कितना 100, R4 बराबर कितना 100, ठीक। अब इसको कनेक्ट कीजिए 100 वोल्ट के बैटरी से, कितना से, 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कीजिए इसको, 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कीजिए, कितना वोल्टेज का बैटरी है, 100 वोल्ट का है, भी बराबर कितना 100,
अब इसको समतुल्य करेंगे दोस्तों, जब समांतर में रहता है तो आपको क्या आता है, वन बाई आर इजिकल टू वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री प्लस वन बटा आर फोर। ठीक है, तो यहाँ पे सौ एक बटा सौ प्लस एक बटा सौ प्लस एक बटा सौ, एलसीएम क्या आ जाएगा, सौ आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, पच्चीस, एक बटा पच्चीस, यानी कि जो आर आएगा दोस्तों पच्चीस ओम आएगा, जो समतुल्य आर कितना आएगा पच्चीस ओम आएगा। वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है, तो सौ वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सब पूछ रहा है पावर, क्या पूछ रहा है पावर, तो पावर क्या होगा, तो पी बराबर जो होता है दोस्तों, पी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी आपको पता है कितना 100, आर आपको कितना है 25, इसको स्क्वायर करना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 20 बटा 25, इसको जैसे ही काटेंगे दोस्तों 400 बार में कटेगा, कितना बार में 400 बार, यानी कि जो इतना पावर होगा आपको, जो ऊर्जा व्यय होगा वो 400 वाट होगा, ऑप्शन इसका सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु, क्या कह रहा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर स्थिर होती है, इसका औसत वेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, स्थिर होती है, इसका औसत वेग क्या होता है, तो इसका औसत वेग जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग आधा होता है, क्या होता है औसत वेग, प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग क्या होता है, औसत आधा होता है, यानी कि प्रारंभिक वेग औसत कैसे होता है, जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग मान के चलिए कि V1 है और फाइनल वेग क्या होता है V2 है, तो दोनों को भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा, औसत वेग कहने का मतलब क्या, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के जोड़ के क्या करेंगे, भाग दे देंगे दूसरे, तो ये औसत औसत वेग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि आयतन विस्तार, क्या कह रहा है, आयतन विस्तार के समुच्च गुणांक वाली सामग्री को पहचान, आयतन विस्तार के समुच्च गुणांक वाले सामग्री को पहचाने, सबसे कठोर क्या है, कठोर रबर, इसका क्या है, उच्चतम गुणांक वाला, सबसे कठोर, सबसे उच्चतम गुणांक किसका है, कठोर रबर का है। देखिए पीतल का कितना है, पहले पीतल का देख लीजिए, पीतल का कितना है, पीतल का है 6 × 10⁻¹⁵। ठीक है, अब आता है कठोर रबर, कठोर रबर का क्या है दोस्तों, तो कठोर रबर का है 24 × 10⁻¹⁵। अब आता है पारा, पारा का क्या है, तो पारा का है 18.2 × 10⁻¹⁵। फिर आता है लोहा, लोहा का कितना है, तो लोहा का है 3.55 × 10⁻¹⁵। यही जो है क्या है, उस प्रसार गुणांक, तो प्रसार गुणांक होगा कितना, सबसे ज्यादा किसका है, तो कठोर रबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, कि इन इसे पहचाने जो कक्षा वन, यानी कि कक्षा वन क्लास वन उत्तोलक का नहीं है, जो क्लास वन उत्तोलक का नहीं है, इसको पहचानिए, इसको पहचानिए, 59 पहचानने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा, कैंची, प्लास, सीसॉ या सरौता, कौन जो है से कक्षा वन का नहीं है, कौन जो है दोस्तों वो कक्षा वन का नहीं है, तो कक्षा वन का नहीं है सरौता, सरौता जो है से कक्षा वन का नहीं है, किसका है, थर्ड का है, किसका है, थर्ड का है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि तीन प्रतिरोध है, कौन कौन, 9 ओम और 1 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं, इस समांतर संयोजन का तुलना जो कुल प्रतिरोध है कितना है, 3 ओम है, तो अज्ञात प्रतिरोध एक्स का मान क्या, देखिए अब आप फिगर बनाना सीखिए, फिगर बनाइए, आराम से देखिए कि फिगर कैसे बन रहा है, समांतर क्रम कह रहा है तो समांतर क्रम में फिगर बना रहे हैं, कितना ओम कह रहा है, 3 गो प्रतिरोध है, क्या गो प्रतिरोध है, 3 गो है प्रतिरोध, R1 का मान दे रखा है आपको 9 ओम, R2 का मान दे रखा है आपको 9 ओम, R3 का मान दे रखा है आपको 100, क्या दे रखा है 100, तीनों को जोड़ दिए, ठीक है, तीनों किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा, किसी बैटरी से मान के चलिए किसी भी वोल्ट का बैटरी है, उससे कनेक्टेड है, क्या है, कनेक्टेड है, इसका जो कुल प्रतिरोध है दोस्तों, कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, समांतर क्रम में रहेगा, तो 1/R, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3,
आर वन पता है 1/9, आर टू पता है हमको कितना पता है 1/9, आर थ्री हमको पता है एक्स, हम लोग कुल प्रतिरोध भी पता है 3, ठीक है। अब एक्स बराबर छोड़ दीजिए तो 1/3 इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर 1/3 एक्स बराबर क्या होगा 1/x बराबर 1/3 में घटाइए सबके, 1/3 माइनस 1/9 माइनस 1/9, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 का एलसीएम होगा, 9 का एलसीएम होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना 1/9, यानी कि x बराबर जो आ जाएगा आपको 9 ओम आ जाएगा। कितना प्रतिरोध का होगा, x भी होगा कितना 9 ओम प्रतिरोध का होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है, कौन सा सही है डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है 61 कह रहा है कि एक वस्तु है ठीक, स्थिर पर x बराबर 0 है, t बराबर 0 सेकेंड से शुरू होता है ठीक है, यह x अक्ष के समांतर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से चलती है, 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा, कितना सेकेंड से कितना सेकेंड कह रहा है, तो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड, यानी कि जो 4 से 8 सेकेंड जो होगा इतने दूरी में जो तय किया होगा इसी का क्या होगा औसत वेग हमको समझ रहा है, कितना से 4 से 8 सेकेंड में, 4 से 8 सेकेंड। अब देखिए एक आपको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं। देखिए मान के चलिए कि ये एक्स अक्ष पे है, यहाँ से कोई वस्तु चल रहा है, यहाँ से कोई वस्तु चलना आरम्भ किया तो यहाँ पे यू बराबर 0 मान लीजिए, क्या मान लीजिए यू बराबर 0, जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों इसको तो 3 मीटर पर सेकंड तो इसका त्वरण है, एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, जैसे ही स्टार्ट होगा 1 सेकंड में इसको 3 मीटर पर सेकंड मतलब कि इसका त्वरण है तो ये तुरंत बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी तय किया 4 सेकंड में, कितना सेकंड में 4 सेकंड, टी बराबर क्या हो गया टी बराबर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक तो कुछ दूरी तय किया होगा। फिर देखिए अगला 4 सेकंड और चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक के कुल टाइम कितना हो जाएगा 8 सेकंड, तो टी टू बराबर क्या हो गया 8 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में दोस्तों यहाँ भी वेलोसिटी कुछ हो गया होगा, यहाँ की वेलोसिटी कुछ हो गया होगा, वी वन कुछ हो गया होगा, वी टू कुछ हो गया होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इसे वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। अब देखिए आपको औसत वेग बराबर क्या होता है, पहले औसत वेग बराबर समझिए, औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है दोस्तों, औसत वेग बराबर कुल दूरी बटा या विस्थापन बटा कुल समय। आपको समय तो पता हो गया, कुल समय तो आपको पता हो गया कि यहाँ से यहाँ तक के कह रहा है तो 4 सेकंड कुल समय होगा, क्या होगा 4 सेकंड जो होगा सब कुल समय हो, लेकिन दूरी हमको पता नहीं, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समीकरण का दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे हम यहाँ के निकाल लेंगे दूरी और फिर यहाँ की दूरी निकाल लेंगे ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ की दूरी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब देखिए S1 बराबर निकालते हैं कहाँ थे, यहाँ वाला निकालते हैं, यहाँ तक की दूरी जो तय किया है वो 4 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से कितना दूरी तय किया है, तो S1 बराबर क्या होगा U बराबर तो 0 है, 0 इंटू टी, टी कितना है तो 4 सेकंड, रहने दीजिए आप एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब उसके बाद टी कितना है तो 4 सेकंड में निकाल रहे हैं S1 निकाल रहे हैं तो ए के स्क्वायर कर टी का स्क्वायर करना है ठीक है, ये तो 0 हो गया, कुल मिला के 0 हो गया, इसको से काटेंगे काट पीट के करेंगे इसको तो 1/2 इंटू 3 गुने 4 गुने 4 क्या बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 3 गुना 6 6 चौके 24 24 मीटर जो है दूरी S1 तय करेगा दोस्तों, 4 सेकंड में जो वस्तु है वो 24 मीटर दूरी तय कर लेगा। अब देखिए आगे देखिए, अब S2 क्या निकालना है कि यहाँ तक की दूरी तय कितना दूरी तय किया होगा 8 सेकंड में, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा एस टू बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है दोस्तों 0, टी कितना है तो टी है 8 प्लस हाफ ए कितना है तो ए है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब कितना है टी कहाँ रख रहे हैं तो टी टू रख रहे हैं, ये वाले टी टू रख रहे हैं, टी टू कितना है 8 है तो
आठ के स्क्वायर कीजिए, जब आठ के स्क्वायर करेंगे तो ये तो जीरो हो गया कुल मिला करके, तो हाफ इंटू तीन इंटू आठ गुने इसको काटिए, कई बार में काट गया चार बार में, चढ़ती है बारह, बारह आठ छियानवे, यानी कि जो एस टू दूरी तय किया छियानवे मीटर तय किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल गया, क्या निकल गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल गया कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल गया पहले 24 मीटर, कहाँ निकल कितना निकला, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल गया 24 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल गया कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकल गया कितना, छियानवे मीटर, छियानवे मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकलेगा, छियानवे मीटर में से 24 घटाइए तो कितना जाएगा 72 मीटर, यही तो दूरी का औसत दूरी खोज रहा है, औसत चाल खोज रहा है, तो 72 मीटर दूरी तय कर रहा है कितना सेकंड में, चार सेकंड, कितना सेकंड में, चार सेकंड, तो कितना आ जाएगा 18 चक 72 यानी कि 18 मीटर पर सेकंड जो है से इसका औसत दूरी औसत चाल होगा 18 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन इसका डी सही है। एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कह रहा है कि एम द्रव्यमान की एक गेंद, एक गेंद है आपके पास एम द्रव्यमान की है, उसको एच ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, एच वटा थ्री ऊंचाई पर अपनी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात बराबर होता है। देखिए आपको कह रहा है कि एक गेंद है आपके पास, ठीक है, उसको एच ऊंचाई से आप गिरा रहे हैं, कहाँ से गिरा रहे हैं, तो एच ऊंचाई से गिरा रहे हैं आप, एच ऊंचाई से उसको गिरा रहे हैं, एच ऊंचाई से आप उसको क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, कहाँ से गिरा रहे हैं दोस्तों, तो एच ऊंचाई से गिरा रहे हैं, आप कहेंगे सर एच ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपके पास एक बॉल है, एक बॉल है, उसको आप एच ऊंचाई से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, एच ऊंचाई से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, ठीक है, जब आप नीचे की ओर गिराइएगा एच ऊंचाई से, तो जो एच ऊंचाई से इसका जो पहला जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा दोस्तों, जब गिराने के पहले यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, स्थिति ऊर्जा कितना रहेगा, एम जी एच रहेगा, कहेंगे सर ठीक है एम जी एच ही रहेगा, ठीक, जब ये वस्तु गिरना स्टार्ट होगा नीचे की ओर, तो कह रहा है कि एच वटा थ्री ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर, एच वटा थ्री, मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया एच वटा थ्री, क्या हो गया यहाँ पे हो गया, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के हाइट क्या है एच वटा थ्री है, तो ये क्या बच गया, तो एच माइनस एच वटा थ्री, एच वटा थ्री तो यहाँ तक है, एच माइनस एच वटा थ्री यानी कि टू एच वटा थ्री है, क्या है टू एच वटा थ्री ऊंचाई यहाँ तक है। अब कह रहा है कि अपनी स्थिति ऊर्जा, देखिए दोस्तों वस्तु तो पहले यहाँ था, इसका स्थिति ऊर्जा कितना था एम जी एच था, लेकिन वस्तु चलाया यहाँ, तो यहाँ की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो एम जी एच बटा थ्री हो जाएगा, यानी कि स्थिति ऊर्जा कहाँ से होगा, अब यहाँ की स्थिति ऊर्जा होगा यहाँ से यहाँ तक के जो ऊर्जा का लॉस हुआ दोस्तों एम जी एच से, एम जी एच से क्या हो गया एम जी एच बटा थ्री हो गया, क्या हो गया एम जी एच बटा थ्री, जो ऊर्जा का लॉस होगा वही तो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि जो इसका जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा एम जी एच टू एच बटा थ्री जो होगा, इतना ऊर्जा लॉस हुआ, क्या हुआ इतना ऊर्जा लॉस हुआ यहाँ तक के आने में, यहाँ तक के आने में स्थिति ऊर्जा में, ये क्या होगा एक काइनेटिक एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया है और नया वाला पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गया है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ही मिल गया आपको, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, तो आपको अनुपात पूछ रहा है किसका, पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच बटा थ्री, काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी आप कहेंगे सर कि एम जी टू एच बटा थ्री, आपको लग रहा होगा कि सर काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है वन बाई टू एम वी स्क्वायर, तो यहाँ एम जी एच कैसे कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी का कन्फर्मेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए इसको काटिए, एम जी से एम जी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा दो नीचे आ जाएगा, तो ये वन बाई थ्री इंटू टू ऊपर में चल जाएगा, ये वाला नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तीन, यानी कि एक हो जाएगा दोस्तों वन बाई टू, ये क्या होगा इसका अनुपात होगा एक अनुपात दो या वन बाई टू, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 का देखिए कह रहा है कि भार पर काबू पाने के लिए, कोई भार है उसको काबू पाने के लिए या तो उठाने के लिए या उसको रोकने के लिए, उसको थमने के लिए जो बल लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों प्रयास कहते हैं, क्या कहते हैं प्रयास कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कह रहा है कि दो प्रतिरोध है प्रत्येक 20 ओम के समांतर से जुड़े हुए हैं, यह संयोजन 40 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, 40 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्ट क्या होगा,
देखिए दोस्तों, जब कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, क्या हो, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, देखिए ये कैसा जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम में जोड़ दिए, ये प्रतिरोध को क्या किए, समांतर क्रम में जोड़ दिए, ठीक है। ये है आर वन, आर वन क्या कह रहा है कि 20 ओम है, आर टू भी कह रहा है कि आर टू भी क्या है 20 ओम है, आर टू भी क्या है 20 ओम है। अब इसको यहाँ से जोड़िए, कह रहा है कि 40 वोल्ट के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, कितना थी वोल्ट की बात, वोल्टेज था जुड़ा हुआ है कितना 40 वोल्ट, वी बराबर कितना 40 वोल्ट, ठीक है। जब 40 वोल्ट है दोस्तों वी बराबर, तो कह रहा है कि दोनों सिरा पर जो वोल्टेज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 40 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 40 वोल्ट होगा। तो अगर जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है दोस्तों, कोई भी जब समांतर कनेक्शन में सभी परिपथों में क्या होता है, सभी परिपथों में वोल्टेज जो होता है दोस्तों क्या होता है सेम होता है, ठीक है। लेकिन करेंट का मान जो है दोस्तों, करेंट का मान वो अलग अलग होगा, क्या होगा अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा सेम होगा, ठीक है, सही परिपथों में। यही उल्टा हो जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सभी परिपथों में करेंट का मान समान होता है, करेंट का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है अलग अलग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि दो प्रतिरोध 20 ओम और दूसरा 30 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यह संयोजक 8 ओम के प्रतिरोध से 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो 20 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे बनाए थे, 54 नंबर क्वेश्चन जो आप देखे होंगे उसको आप, अगर जो थोड़ा भी उसमें कन्फ्यूजन होगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा रिविजन हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देखिए, अब कह रहा है कि दो प्रतिरोध है, पहले दो प्रतिरोध बनाइए, प्रतिरोध बना लिए, दोनों को समांतर क्रम में जोड़िए, पहले समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिए समांतर क्रम में। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एक और प्रतिरोध है वो 8 ओम का है, वो श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, कैसे लोग जुड़ा हुआ है श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक वोल्टेज जा रहा है, विभवांतर जा रहा है कितना 20 वोल्ट, कितना वोल्ट का 12 वोल्ट, ये बराबर कितना है, एक बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का, बैटरी लगा हुआ है कितना वोल्ट का 12। अब पहले ये दोनों के कुल प्रतिरोध निकालिए, तो जब ये दोनों का कुल प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों, तो ये R1 है, ये R2 है, R1 दे रखा है कितना 20 ओम, R2 दे रखा है आपका 30, इसको दे रखा है R3 को 8, और कितना ओम 8, ठीक है। जब इसको करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे तो ये अगला जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये चेंज हो कैसे हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 कितना 20 प्लस 1 बटा R2 कितना 30, एलसीएम लिए तो 60 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 बटा 60, यानी कि 12, यानी कि जो कुल R आया वो 12 ओम आया, कितना आया 12 ओम, यहाँ पे लिखेंगे 12 ओम, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 ओम, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे होगा 8 ओम, यहाँ पे होगा 8 ओम। अब देखिए इसका जो R होगा कुल प्रतिरोध वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेणी में है तो R1 प्लस R2 जुड़ जाता है, क्या हो जाता है R1 प्लस R2 जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 20 ओम जो होगा वो R होगा, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना वोल्टेज है, तो 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए अब करेंट निकालिए, 20 वोल्ट पर करेंट निकालेंगे, 20 वोल्ट पे करेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार निकालिए, ओम्स लॉ के अनुसार भी बराबर आई आर, भी हमको पता चल गया कुल वोल्टेज कितना है तो 12, आई हमको पता नहीं है, आई निकालना है कि वहां पे कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, आर हमको पता है 20, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये क्या बार काटेगा, कितना हो जाएगा दुछक, इसको काटिए दुछक 12, ये क्या बार काटेगा तो 4 5 20, यहाँ पे काटिए 6 2 12, 10 2 20, 3 2 6 15, यानी कि 3/5 जो है 3/5 एम्पियर का धारा जा रहा होगा, यहाँ कितना जा रहा होगा 3/5 एम्पियर के, 3/5 एम्पियर के,
जब श्रेणी में रहता है दोस्तों तो धारा दोनों में समान जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब श्रेणी में रहेगा तो धारा दोनों में क्या हो जाएगा, समान जाएगा। यहाँ पे भी जाएगा 3/5 एम्पियर के, तो यहाँ पे भी जाएगा 3/5 एम्पियर के। लेकिन अब यह आ गया समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जो करेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। 20 ओम के पास कुछ और करेंट जाएगा और 30 ओम के पास कुछ और करेंट जाएगा। लेकिन दोनों के बीच वोल्टेज का बात रहता था, वोल्टेज दोनों सेम जाता, लेकिन जब करेंट का बात आ गया तो समांतर क्रम में करेंट जो होता है से डिफरेंट हो जाता है। अब हमको पूछ रहा है कि जो 20 ओम का प्रतिरोध है वहां पे कितना करेंट जा रहा है, यहां पे पूछ रहा है, तो 20 ओम वाला पे पूछ रहा है, कहां पे पूछ रहा है, 20 ओम वाला। जब 20 ओम वाला पे निकालना होता है तो हम निकालेंगे, हमको तो पता है कितना प्रतिरोध, आर हमको पता है 20 ओम, आर हमको पता है 20 ओम, भी हमको पता है कितना, भी हमको पता है कि यहाँ पे कितना हो गया, तो भी हमको पता है दोस्तों यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। कैसे होगा 7.2, कितना हो जाएगा दोस्तों 7.2, जब 12 वोल्ट वाला निकालेंगे, 12 वोल्ट पे निकालेंगे, 12 वोल्ट पे निकालेंगे, पहले कितना था आई, कितना आया 3/5 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के लिए क्या होगा, इसको 12 वोल्ट से गुना कर, कितना से कर देंगे 12 में गुना कर देंगे, कितना 3/5 से, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बढ़ती आई 3/5 से गुना करेंगे इसको में, तो कितना हो जाएगा 36/5 हो जाएगा। अब जो 36/5 हो गया, 36/5 हो गया, ये कहाँ पर कह रहा है 20 वोल्ट में, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7.2 लिख सकते हैं, 7.2 लिख सकते हैं इसको 7.2। अब कह रहा है कि 20 ओम में कितना करंट जाएगा, तो 20 ओम में क्या जाएगा 7.2 × 20, इसको जब काटेंगे तो 0.36 एम्पियर का वोल्टेज आएगा, कितना जाएगा 0.6 एम्पियर का। वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई आर, क्या होता है आई आर होता है वी बराबर। तो क्या खोज रहा है हमको, आई खोज रहा है, तो क्या लिखेंगे वी बटा आर, वी कितना था हमको, वी कितना आया 7.2 आया, आर कितना है 20, इसको जैसे ही काटेंगे तो 3.6 एम्पियर का आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दोस्तों दो सतहों के बीच बनने वाली छोटी कण वाली सतह को क्या कहते हैं, उसको घर्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, घर्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कह रहा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है दोस्तों, तो कैसे परिभाषित किया जाता है, उसको किया जाता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, कैसे किया जाता है, तो मास बटा वॉल्यूम, इसलिए तो होता है इसका घनत्व का kg per meter cube इसका SI यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, किसी 8 का रहा है कि तापीय चालकता की इकाई क्या होता है, तो तापीय चालकता की इकाई आपको पता है क्या होता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, क्या होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों कि ताजे पानी का घनत्व नमक के घनत्व से क्या होता है, जो ताजा पानी है उसका घनत्व क्या होता है नमक के घनत्व से, तो ताजे पानी के घनत्व नमक घनत्व से कम होता है, क्या होता है कम होता है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, कह रहा है कि लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले एक बेलन का जो प्रतिरोध है वो आर है, ठीक है, उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध, लेकिन उसकी लंबाई आधा और त्रिज्या आधा है, लंबाई भी आधा है और त्रिज्या भी आधा है। देखिए थोड़ा सा खेला है इसमें, एक अवतार लीजिए, क्या लीजिए आप, एक तार ले लीजिए, एक अवतार, ठीक है, उतार का क्या करना है, उतार का पहला जो अवतार लिए इसका त्रिज्या क्या रहेगा, इसका त्रिज्या आर रहेगा, इसका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल रहेगा, ठीक है, जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया ए रहेगा, ठीक। अब इतना तो समझ में आ गया कि इस तार है, अब ये तार में करना है खेला, आपको आर बराबर पता है, आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, क्या होता है रो एल बाई ए होता है आर बराबर, एरिया को हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे एरिया लिखिए या पाई आर स्क्वायर लिखिए, बराबर ही है, ठीक है। जो रो है दोस्तों रो, इसको रो को आप रो मत समझिए, क्या पदार्थ की प्रतिरोधकता है, क्या है पदार्थ की प्रतिरोधकता, क्या है प्रतिरोधकता, इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर होता है एसआई यूनिट। चलिए अब देखिए, अब नया वाला जो है ये तो हो गया दोस्तों आपको, ये तो हो गया आपको
तो समीकरण वन मानिए, ये तो हो गया जो ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल एरिया वाला है। अब देखिए जो डुप्लीकेट एल वाला है वो कैसे होगा, डुप्लीकेट एल वाला है वो कैसे होगा देखिए। अब देखिए आर डैश, आर डैश बराबर आपको एल डैश बराबर कह दिया, एल बराबर क्या कह दिया, एल बराबर आप ले लीजिए कितना ले लीजिए, एल बराबर ले लीजिए कितना कह रहा है कि लंबाई कितना कह रहा है दोस्तों, प्रतिरोध की लंबाई आधा कर दी जाए। क्या कह रहा है कि उस तार के प्रतिरोध की लंबाई आधा कर दी जाए, लंबाई क्या कह रहा है इसको, लंबाई आधा और त्रिज्या आधा, लंबाई आधा कर रहा है, लंबाई आधा और त्रिज्या, लंबाई आधा और त्रिज्या कितना आधा, इसको लंबाई को एल बाई टू करने के लिए बोल रहा है ठीक है। त्रिज्या को भी कह रहा है कि आर बाई टू कर दीजिए, लंबाई भी आधा करना है त्रिज्या भी आधा करना है। देखिए दोस्तों आर डैश वाला क्या होगा, जो नया वाला आर डैश होगा उसको मैं क्या कर रहा है, रो तो रो रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा एल बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा तो त्रिज्या आधा करेंगे तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर बाई टू के स्क्वायर ठीक। जब आर बाई टू के स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा रो एल बाई टू आर आर स्क्वायर बटा फोर ठीक है। अब इसको सेपरेट कीजिए इसको, तो यहाँ पे एल बाई टू आर ए पाई कहाँ से चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, हो जाएगा रो एल बाई टू पाई आर स्क्वायर और ऊपर में चल जाएगा चार, इसको काटिए दो, दो हो जाएगा। अब देखिए तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं दो इंटू पाई आर स्क्वायर के ए लिख देते हैं, तो रो एल बाई ए, रो एल बाई ए के कम आने थे समीकरण वन माने थे, तो यानी कि कितना गुना हो जाएगा, तो दो गुना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आर इजिकल टू क्या हो जाएगा टू आर डैश, कितना हो जाएगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हो जाएगा दो गुना, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है, कौन सा सही ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका डी सही ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 था दोस्तों। अब आज मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो रहने देते हैं यहीं तक के। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर जो कुछ आपको कमी देख रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके कुछ बताने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलेगा दोस्तों तब तक हम सुधार करने की कैसे कोशिश करेंगे, तो आप बताने की जरूर कष्ट करें।